9 दिवसीय श्री श्री रुद्र महायज्ञ भोजोडी भुईफोड़ महादेव मंदिर में आयोजन किया गया। भैरव धाम इजरी नदी के पावन तट पर भुईफोड़ महादेव मंदिर भोजोडी में 9 दिवसीय श्री श्री रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया। मंगलवार को गाजे बाजे के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 1001 कन्याओं एवं महिलाओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व यज्ञाधीश श्री श्री 1008 श्री मंथन परशुराम दास महात्यागी के निर्देशन में संपन्न कराया जा रहा है। शोभा कलश यात्रा यज्ञ मंडप से प्रारंभ होकर दासपाड़ा, छाताताण, महतापाड़ा, मिनी मार्केट, बावरीपाड़ा, नीचे बाजार, बंगलोपाड़ा होते हुए दामोदर नदी काली मंदिर के निकट पहुंचा, जहां काशी विश्वनाथ से पधारे यज्ञाचार्य पंडित रंजित शास्त्री एवं अन्य सहयोगी पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जल भरने का कार्यक्रम संपन्न कराया। कलश लेकर जय श्री राम, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व में कल्याण हो, जय घोष के साथ हजारों श्रद्धालु बंगलोपाड़ा होते हुए यज्ञ मंडप पर पहुंचे, जहां पर कलश यात्रा में भाग लेने वाली सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। बुधवार को यज्ञ मंडप पूजन, अग्नि मंथन, पंचांग पूजन आदि वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। वहीं बुधवार से अयोध्या से आए सुश्री राधिका किशोरी कथावाचक के द्वारा प्रतिदिन भागवत कथा संध्या में की जाएगी। वहीं यज्ञ की पूर्णाहुति व विशाल महाभंडार 7 मार्च को की जाएगी। वहीं हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े और हर ओर जय श्री राम की जय जयकार हो रही है। सभी भक्तजन भव्य कलश यात्रा में नील है एवं समस्त ग्रामीण उपस्थित थे। चंदन क्यारी से जावेद अख्तर की रिपोर्ट। आज इस कलश यात्रा का कार्यक्रम है और कल से जो है कि जब का कार्यक्रम आरंभ होगा जो 7 तारीख तक चलेगा, यानी 27 की कार्यक्रम किया जा रहा है। बाबा, कितने कन्याओं ने भाग लिया है जल यात्रा में? हजारों की संख्याओं ने भाग लिया है। बाबा, यहाँ के आम लोगों क्या कुछ कहना चाहते हैं? बाबा, बताइए, आज के संबंध में आज भव्य कार्यक्रम रखा गया है। ये हम लोग भोजपुरी का जनता का, आम जनता का बहुत बड़ा यह सहयोग है। सब के आज बहुत बड़ा सबका सहयोग है, हर जाति वर्ग का सहयोग है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है आज जल यात्रा का। ये कार्यक्रम कई कितने सालों से करते हुए आ रहे हैं? ये 3 साल हो रहा है। इसमें कितने महिलाओं ने भाग लिया है? इसमें हजारों हजारों महिलाएं। क्या नाम हुआ? आज विगत 3रा वर्ष है भोजोडी में रुद्र महायज्ञ का आयोजन हुआ है, जिसमें हजारों कलश यात्री इसमें भाग लिए हैं और दामोदर नदी के तट पे सभी लोग आए हुए हैं और यहाँ पे पूजन होगा। पूजा करने के बाद पुनः हम लोग भोजोडी भैरव स्थान पे पहुँचेंगे, वहाँ पे कलश स्थापना किया जाएगा। बाबा जी, बताया जाए अगले वर्ष के बाद इस वर्ष श्रद्धालुओं किस तरह से रुझान है? बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और ये भैरव धाम इजरी नदी के पावन तट पर भुईफोड़ महा शिव मंदिर में आज रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसकी कलश यात्रा आज शुभारम्भ किया गया है, जो दामोदर नदी से होकर भैरव धाम की कलश यात्रा का स्थान किया। कितने कन्याओं ने इसमें भाग लिया है? हजारों कन्याओं ने भाग लिया कलश यात्रा में। और कितने दिनों तक चलेगी ये? आपका 1 तारीख से 7 तारीख तक चलेगी। 7 तारीख को पूर्णाहुति और महाभंडारा का आयोजन किया गया है, कहा जा रहा है।